ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये खाली सारविंदर भाई के लिए नहीं है, आप भाई जो भी मतलब वीडियो देख रहे हो आप सबको ये मतलब कॉन्सेप्ट बना सकते हो। बस इसमें एक ही मतलब फ़र्क है कि मतलब कि जो स्क्रीनशॉट है वो बस आप सभी को अलग लगाना है। तो चलिए गाइस मैं आप सभी को वीडियो में बताता हूँ आप सभी को कैसे करना है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को ये विंग्स का पीएनजी दे रखा है मैंने, आप सभी को इसको क्या करना है, आप सभी को इसको पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड इसको सिंपली आप सभी को ऐसे फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अभी आप सभी को डन नहीं करना है, पहले आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को ले आना है। ठीक है, तो पहले मैं ऐसे मॉडल को ले लेता हूँ। एंड मॉडल को आप सभी को कुछ इस टाइप से पोजेस करके या फिर आप कैसे ही पोजेस कर सकते हो, जिस मतलब पोज ऐसे करना कि जिससे आप मतलब कि एक हाथ से आप स्क्रीनशॉट को पकड़ पाओ। ठीक है, तो ऐसे पोज करना है और एक हाथ में आप सभी स्माइल का पिंच लगाना है, तो कुछ इस टाइप से पोज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद एड फोटो में जाना है आप सभी को, फिर आप सभी को अपने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, प्रोफाइल जो है आपकी वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड आप सभी को कुछ इतना आप सभी को क्रॉप कर लेना है। ठीक है, इतना क्रॉप कर लेना है एंड इतना हिस्सा आप सभी को रखना है। एंड नीचे से मैं सारविंदर जो लिखा हुआ इसको इतना ले लेता हूँ। ठीक है, इतना लेने के बाद आप सभी को यहाँ से क्या करना है, आप सभी को मतलब कि इतना ले लेना आप सभी को, यहाँ से कर देना डन। ठीक है, जो आपके फॉलोवर्स वगैरह हैं जो भी आपके कंप्लीट हो गए हैं आपको कुछ इस टाइप से ले लेना है। एंड इसके बाद आप सभी को इसके साइज को कुछ इस टाइप से बड़ा कर देना है। ठीक है, साइज को बड़ा कर देना है। एंड जो दूसरा हैंड है जो आपका कुछ मतलब कि आपने जिस हैंड से पकड़ रखा है आपको जो आपने जो पोज दिया है उस टाइप से आप सभी को कुछ ऐसा कर लेना है। यहाँ पे ओपेसिटी कम करके रिजर टूल में जाके इन्वर्ट करके आप सभी कुछ इस टाइप से यहाँ पे फटाफट पेंट कर लेना है। ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे जो है मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है तो इसलिए आप सभी को फास्ट दिख रहा है, बट आप सभी को बिल्कुल आराम आराम से करना है। ठीक है, टाइम लगा के कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगता है यार फोटो को एडिट करने में उतनी अच्छी फोटो हमारी एडिट होती है, तो यार थोड़ा टाइम लगाना अभी तो आपकी फोटो अच्छी एडिट होगी। ठीक है, तो आप सभी को बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ मतलब कि अच्छे से पेंट कर देना पूरा। एंड उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ आगे आप सभी को करना क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने इसको पूरा फिल कर दिया, तो यहाँ पे हमारा इतना काम तो हो चुका था, अब हम इसके ऊपर से डे करके हम कर देते हैं यहाँ पे डन। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे बनानी है शेडो। ठीक है, तो इसमें हम शेडो बनाएंगे, तो शेडो बनाने के लिए हमें जाना ड्रो टूल में। ड्रो टूल में जाने के बाद हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे ब्रश एंड ओपेसिटी कम करके एंड साइज को छोटा करके कुछ स्टेप्स यहाँ पे हम शेडो क्रिएट करेंगे। तो गाइस हमारी शेडो यहाँ पे परफेक्ट बन चुकी है। तो गाइस देखिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसको ऑन ऑफ करके, तो देखो गाइस कितना फर्क आ रहा है इसमें, है ना, शेडो में। तो शेडो के बिना यार कितना फर्क है। तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को पिक लगाना है स्माइल का पीएनजी। ठीक है, तो उस पीएनजी को मैंने आप सभी को दे रखा है, तो आप सभी को यहाँ से सिंपली करना है कि आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को ये स्माइल का पीएनजी ले लेना है एंड इसको आपको कुछ इस टाइप से आपको जो दूसरा हैंड आपको यहाँ पे लगा लेना है। जो यहाँ पे जो हमारा स्माइल का पीएनजी लग चुका है, तो अब यहाँ पे इतना काम तो हमारा हो गया है। तो ठीक है, इतना करते हैं बाद आप सबको ऐड फोटो में जाना है, ये लेना है स्मोक का पीएनजी। ठीक है, स्मोक का पीएनजी आप सबको कुछ इस टाइप से आप सभी को पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है एंड कुछ इस टाइप से आप सबको इस पीएनजी को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से लगा देने के बाद आप सबको यहाँ पे कर देना डन। तो गाइस अब उसके बाद हम करेंगे थोड़ा डोजन बंद, तो उसके लिए करेंगे हम जाएंगे टूल्स में, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद हम ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इधर टूल में जाकर इन्वर्ट करेंगे एंड ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। एंड उसके बाद हम फोटो को जूम करेंगे एंड जूम करने के बाद हम कुछ इस टाइप से अपने फेस के ऊपर डोजन बंद करेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ वहाँ पे आप कर सकते हो, बाकी मैं आपको वीडियो में तो दिखाई रहा हूँ जहाँ जहाँ पे आपको जरूरत है वहाँ वहाँ पे करना चाहिए। तो ओपेसिटी आप सभी को अपने हिसाब से रख लेंगे 5 और 6 तक। ठीक है, इतना रख देने के बाद आप सभी को यहाँ पे कर देना है डन। ठीक है, तो इतना हमारा यहाँ पे तो लाइटरूम का काम, पिक्सल का काम तो हो चुका है, अब बात आती है मेरे लाइटरूम की। ठीक है, तो कलर करेक्शन जो भी है वो लाइटरूम ऐप में करेंगे। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं लाइटरूम ऐप को ओपन। तो गाइस जब तक हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने किसी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है।
तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ताकि यार आप सभी को मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो हमें क्या करना है, इस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना, हाईलाइट को कम कर देना, शेडो को इंक्रीज कर देना, व्हाइट को कम कर देना, ब्लैक को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसका जाना नीचे वाले टूल में, और जो वाइब्रेशन इसको बढ़ा देना है। एंड जाना मिक्स में, इसका ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देना, येलो कलर में जाना इसके ह्यू को माइनस कर देना, सैचुरेशन को प्लस कर देना है। एंड उसके बाद जाना ब्लू कलर में इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना, एंड जाना ग्रीन कलर में इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी है इसके सभी को इंक्रीज कर देना है। एंड जो फोटो विग्नेट है वो हल्का सा डालना है, ठीक है। एंड उसका जो ग्रेन अमाउंट आप सभी को इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस है इसको भी इंक्रीज कर देना है, नोड रिडक्शन इसको भी इंक्रीज कर देना है, कलर नोड रिडक्शन इसको भी इंक्रीज कर देना है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, तो गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। तो गाइस अभी दो एंड स्क्रीन में मैंने आप सभी को दो मोस्ट पॉपुलर वीडियो दे रखी है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी वीडियो के बारे में जानना है, तो आप इनमें से दोनों वीडियो को किसी भी क्लिक करो, या फिर मेन चैनल पर जाओ, जाकर मेन चैनल पर जाकर वहाँ से आप वीडियो को सिलेक्ट करके देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।